अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो सुबह सुबह 9 बजे रेडी हो चुके हैं और पूरा वेकेशन चला गया, समर वेकेशन। बट बच्चों को कहीं बाहर घुमाने नहीं लेके गए थे, तो हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग कहीं बाहर जाए। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक रिजॉर्ट में, तो आपको सारी चीज़ें आपको तो दिखाते रहूँगी। तो मैंने सोचा पुलाव ले लेती हूँ, तो सब लोग पुलाव खा लेंगे, रास्ते में लंच कर लेंगे और फिर डायरेक्ट जाकर वहाँ पे स्विमिंग पूल में डुबकी लगाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी मैडम रेडी है ना। मैडम सलाम करो सबको। स्विमिंग पूल के शुरू में तो फटाफट पैक करते और निकलते हैं, और फिर पहले पैक करती हूँ खाना वाना, सारी चीज़ें पैक करती हूँ। थोड़ा मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, ये सब वाइंड अप करती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ कहाँ जा रहे हैं सारी। तो फाइनली हम निकल चुके हैं, काफी लेट हो रहा है। वालेकुम सलाम। ये देखो, ये तो अभी से ही रेडी हो गई है स्विमिंग के लिए। और वाह वाह वाह, अंजोया का पूरा लुक मैं आपको दिखाती हूँ बाहर निकलने के बाद। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और आप लोगों को मैं बता देती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं करजत, एक रिसोर्ट है करजत में, द फॉरेस्ट क्लब रिसोर्ट ना, है ना। तो ये सब बच्चे लोगों ने ही बताए, तो हम लोगों ने बुक किए। और बस हमारी फैमिली, मतलब हम लोग चारों और मुमताना की फैमिली जा रहे हैं, तो एक दिन के लिए ही जा रहे हैं बस, क्योंकि फिर स्कूल भी स्टार्ट होने वाली है बच्चों की, तो अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो एक दिन के लिए ही जा रहे हैं। चलो उतना तो भी मिल रहा है हमको जाने के लिए, वरना पूरा वैकेशन ख़त्म हो गया, हमको कहीं जाने नहीं मिला। तो बहुत ही अच्छा रिसोर्ट, हम लोगों को फ़ोटो वगैरह रिव्यूज़ अच्छे थे उसके, तो हम लोग निकले हैं। बस चलिए हमारे साथ सफ़र पर। तो ये रहा मिराज का आउटफिट, आप देख सकते हो एकदम कैजुअल शर्ट। ये जो शर्ट है ये आंटी ने दिया था, जो मुमताना के मम्मा है वो, उन्होंने मलेशिया, किधर कहते हैं, मलेशिया ही है तो ना, हाँ, तो ये मलेशिया से वहाँ से लेकर आए थे, तो आज मैंने वही पहना है। और ना शूज़ नहीं पहने, नॉर्मल चप्पल ही पहने हैं। और बस यू आर कमिटिंग अ क्राइम। व्हाई? बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड टू लुक सो ब्यूटिफुल एंड प्रिटी। थैंक यू, लेकिन आज तुमसे कम लग रही हूँ मैं। तुम मस्त लग रही हो आज, बहुत अच्छा स्टाइलिंग करे, मानना पड़ेगा तुम्हारे स्टाइलिंग को। आउट ऑफ 10 आप लोग भी बताओ जोया का स्टाइलिंग कैसे लग रहा है, और इसको नंबर भी देना कि कितने नंबर आउट ऑफ 10 कितना नंबर है इसके लुक का, ठीक है। मैं भी सारे कमेंट्स को रिप्लाई करूंगी अभी। अनाया और चौधरी कार में बैठे और यहाँ पे समायरा आ चुकी है, सलाम करो। तो कहाँ है सब लोग? आ रहे हैं सब लोग अभी इधर से, और आज खूब सारी मस्ती और धमाल करते हैं, और उधर देखो कितने सारे हीरोइंस आ गए हैं। तो इन्होंने ये मलेशिया से लेके आए थे ना, ये मलेशिया से लेके आए। और हो गया, और अच्छा लग रहा है।
थैंक यू। अली कैसा है? अच्छा है? आप नहीं खा रहे? पहले खिचड़ी खा रहे हैं। अच्छा शौर जी चलो खाओ ना। फाइनली पहुंच चुके हैं और वेलकम ड्रिंक मेरे पसंद का मिला है, कोकम का शरबत। अच्छा बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलो अभी देखते हैं रूम वगैरह सब एक्सप्लोर करते हैं, आपको दिखाते हैं। एक्साइटेड स्विमिंग करना है? ये तो आने के साथ रूम में भी नहीं आई, चालू हो गया तुम्हारे एंजॉयमेंट। ये चिटुकली हाँ छोटे पापा है। चले फिर ये है हम लोगों के रूम्स, अंदर जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये है हमारा रूम और ये चार रूम हमने बुक किए थे और सामने आप देख सकते हो पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी है। इस चीज़ के लिए हम लोग खास करके आए हैं कि हमको थोड़ा बहुत नेचर मिले, थोड़ा सुकून मिले, थोड़ा शांति मिले, इसलिए ही हम लोग आए हैं। बहुत ही अच्छा है। अभी मैं आप लोगों को रूम और यहाँ पे सारी चीजें होती है, कॉफी वगैरह की, पानी रखा है और यहाँ पे वॉशरूम है जो भी बहुत ज्यादा क्लीन है और यहाँ पे मैं और शौच जो कि हम लोग मैच हो गए हैं यार। तुम लोग के बगैर टेस्ट नहीं है लाइफ में, समझे? और ये देख सकते हो वॉशरूम इतना ज्यादा क्लीन है, बहुत बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह अगर हमको यहाँ की सब चीजें पसंद आई, सर्विस ये वो सब चीजें, तो इंशाल्लाह हम मैं और शोहर जी सिर्फ मैं और शोहर जी आने वाले अकेले अकेले अकेले। सुने हो मम्मी क्या बोल रहे? और स्विमिंग के लिए जाते हैं, बच्चे लोग बहुत वेट कर रहे हैं। ये देखो ये कब से किंकिंग कर रही है, जल्दी चलो ठीक है। और बाहर से आप देख सकते हैं सुबह उठने के बाद कितना प्यारा नजारा है ना, बहुत ही अच्छा। सब लोग अभी फ्रेश हो रहे हैं तो अभी चलते हैं फ्रेश होने। अनस हाय कर लो। हाय
शोनी, कहाँ जा रहे हो आप? इधर देखो। हाँ रुको, अभी आएंगे ना उन लोग। देखो समु कैसे कर रही है, वेरी नाइस यार, एक्सपेक्टेशन से बोले तो ज्यादा निकल आया है। हाथ मारो। चलो। वाह, क्या बात है। खुदा अगर दोस्त का रिश्ता ना बनाता ना, तो इंसान ये कभी यकीन नहीं करता कि अजनबी लोग अपनों से भी प्यारे हो सकते हैं। मुझे बहुत डर लगता, मेरे को स्विमिंग नहीं आती है। अरे उधर आप। तो बहुत ही अच्छा बोले तो एकदम एक्सपेक्ट नहीं किए थे। बहुत ही मजा आ रहा है सच्ची में, इन्फिनिटी पूल। और सही में ऐसा लग रहा है ना बोले तो कहीं इंटरनेशनल लोकेशन में देखो, बोले तो पूल के एकदम कॉर्नर पे कितना डीप ये लग रहा है। इसको तो बोलते हैं ना इन्फिनिटी पूल, यही इसका ही मजा है। मेरा हम सफर मुझे सबसे ज्यादा अजीज है या रब, इसका और मेरा साथ हमेशा बनाए रखना। कितना अच्छा लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। एकदम ऐसे लग रहा है कि पता नहीं बहुत दिनों के बाद कहीं थकान भरी जिंदगी से बहुत दूर आ चुके हैं, और इतना अच्छा लग रहा है ना, देख सकते हो आप कितना अच्छा व्यू है। और हम सब यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं। मुझे तो आती नहीं है स्विमिंग, फिर भी ये लोग हैं तो सपोर्ट के लिए। हाँ अली, बहुत डीप है ये, चालू हो जाओ। हाँ ये लोग देखो, बाप रे, मैं तो नहीं कर सकती भाई। पहले अरबी आओ डी, फिर घूमते ना, फिर आना। कौन पहले आ रहा वो बताओ, ठीक है? काउंट तो तुम सिर्फ 3-2-1 हमारा कितने लोग हैं? चलो 3-2-1 go।
वीडियो ले रहा हूँ। इस ट्रिप में आकर मुझे ऐसे लगा कि मतलब हम लोगों का जो कनेक्शन है ना बहुत ज़्यादा रियल है। हमेशा ही लगता है लेकिन इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा फील हो गया क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती थी और हर एक ने मुझे, मुमदना ने कंधे पे उठाया, अमारा ने मुझे गोद में उठाया, शोहर जी ने डूबने नहीं दिया, जोया ने हाथ पकड़ा, काफ़ी लोगों ने मतलब सब लोगों ने मुझे मतलब संभाला है, बच्चों की तरह मुझे डूबने नहीं दिया क्योंकि मेरी हाइट बहुत छोटी है सबसे और मुझे मैं लिटरली पूरी डूब रही थी स्विमिंग पूल में। हम मुझे किसी ने मतलब डूबने नहीं दिया, सब लोगों ने मुझ पे इतना ध्यान दिया। यही होती है छोटी छोटी चीज़ें, मेरे लिए ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि मेरे लिए इतना सोचते हैं ये लोग। बस हमारा कनेक्शन ऐसे ही अल्लाह बनाए रखे और आप लोग भी सबके लिए दुआ करना। एंड एवरीवन, मेरी गर्ल गैंग जो है ना, थैंक यू सो मच और स्पेशल थैंक्स टू, हमेशा बोलती हूँ शौर जी को क्योंकि वही है जो मुझे लेकर जाते हैं हर जगह, तो उनके लिए तो सबसे ज़्यादा बड़ा थैंक यू, लव यू, लव यू ऑल। मुझसे नहीं हो पाएगा अनुशानी, मुझसे नहीं हो पाएगा। बस चल रहा है। Love you and love this environment and love this thing. अच्छा लग रहा ना? ऐसे लग रहा है कि बहुत बिजी शेड्यूल में, बहुत थकान वाली जिंदगी मुझसे यहाँ पे आ गई है ना, अच्छा लग रहा है ना फ्रेश। और सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे हैं ना, बच्चे, ये बच्चे कच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ओ बच्चे कच्चे, निकलना है कि नहीं बाहर? अनु तो बात करने के लिए भी तैयार नहीं, वो इतनी ज़्यादा बिजी है। बस हम तो थक गए, अब बहुत शाम हो गई है। मैंने सोचा था थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट वगैरह कर लूँ, मैंने कोलैबोरेशन के ड्रेसेस वगैरह भी लेकर आई थी बट वो पॉसिबल ही नहीं हो गया क्योंकि उसी में ही टाइम चला गया। तो बस अभी सनसेट होने वाला है, फिर हम लोग थोड़ा चेंज वेंज करके आप लोगों को कल थोड़ा ज़्यादा व्यू दिखाऊंगी। ये जो है ये जगह बहुत ज़्यादा मेरे को पसंद आई यहाँ पे कि इसके लिए मैं मैडम को इधर लेके आया हूँ। इतना बड़ा नहीं है बट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्या बोलते हैं, ग्रीनरी है, सुकून है और इन्फिनिटी पूल हम लोगों को बहुत दिनों से देखना था। हम लोग फर्स्ट टाइम इन्फिनिटी पूल देखे हैं जो कि मतलब ऐसे दिखता है कि मतलब पूरा ऐसे जा रहा है, उसको बोलते हैं इन्फिनिटी पूल। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून सुकून सुकून, दैट्स इट, बहुत अच्छा लगा। और अभी मैं पूरी भीग चुकी हूँ, अभी फटाफट जाते हैं चेंज करते हैं। मेरा हिजाब नहीं हिला शौर जी मुझे कि लगा कि good, good, nice. वो मालूम है ना कि तो मेरा हिजाब शायद हो निकल जाए, मुझे वो डर था लेकिन ठीक है, ये पहन के भी मैं स्विमिंग सीख सकती हूँ इसका मतलब। मुझे वही था कि हिजाब पहन कर स्विमिंग कैसे सीख सकता है इंसान, बट ऐसे कुछ नहीं होता है। हिजाब जो दिल से पहनता है ना, शो के लिए नहीं पहनता है ना, तो उसका हिजाब अल्लाह निकालता नहीं है। कितने भी पानी में जाओ, कुछ जाओ, हाँ। ऐसे ऐसे। तो वही है। और हमने ये स्विम सूट लिए थे, अब यही पहनकर मैं इंशाल्लाह सीखूंगी स्विमिंग सीखना जरूरी। आप लोगों ने देखा मुझे बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं आती, मुझे पानी से बहुत डर लगता है और ये लोग सब बिंदास स्विमिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट अनाया भी बिंदास हो गई है, डर रही नहीं है, मैं डर रही हूँ लेकिन मुझे स्विमिंग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दोनों सीखेंगे सर, ठीक है। अब जो है चलो, मेरे को अभी ठंडी लग रही है, चलते थोड़ा कॉफ़ी चाय वगैरह कुछ पीते और फिर कोलैबोरेशन का तो कल ही देखते हैं इंशाल्लाह सुबह सुबह। चलो अनाया बुला रही है।
अस्सलाम वालेकुम, ये है हमारा सेकेंड डे, आज हमारा चेकआउट है। और कल जो है स्विमिंग पूल के बाद मैंने ज़्यादा शूट नहीं की क्योंकि ना मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। डिनर कर लिया और फिर मैं बहुत जल्दी सो गई क्योंकि मेरा जो फ़ोन है ना वो स्विमिंग पूल में मतलब पानी में चला गया था, तो पानी भर गया था मेरे फ़ोन में। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ़ोन जो है ना बहुत ज़्यादा बरकत वाला है, तो बहुत अच्छा है, मतलब मेरे लिए लकी है कि वो ठीक हो गया। रात में मैंने उसको थोड़ा अच्छे से पोंछा, हेयर ड्रायर मारा तो ठीक हो गया, फिर चार्जिंग पे लगाया। मैंने सोचा कि अभी ये ख़राब हो गया अब तो नहीं चलेगा, बस वही टेंशन में थी मैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह सुबह उठने के बाद मैंने देखा तो पहले मैंने नमाज़ पढ़ी फजर की और उसके बाद मैंने देखा तो मोबाइल चल रहा था, फुल 100% चार्ज था। तो फिर देखो है ना तो बस यही है, अभी मैं सुबह निकली हूँ क्योंकि कल शाम में तो हमारा फ़ोटोशूट हो नहीं पाया, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। तो ये मैंने ड्रेस सूट पहना है, ये मैंने सूट पहना है, इसका कोलैबोरेशन था राना मुमरा के पास से मुझे ये मिला है। अगर आपको भी परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हो, ईद के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब मैं फिर से जाती हूँ, एक और सूट का फोटोशूट करती हूँ और फिर आती हूँ। फिर हमको ब्रेकफास्ट के लिए भी चलना है, अभी 8:30 हो रहा है, कैसे ना 8:30 हो रहे हैं, तो फटाफट वो भी कर लेते हैं 9:30 तक। फिर हम लोग आराम से बैठ के नाश्ता करेंगे और फिर चेकआउट करेंगे। थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को यहाँ का रिजॉर्ट का व्यू भी दिखाती हूँ निकलने के बाद, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सारा का सारा डिटेल, थोड़ा सारा का सारा नहीं, जितना मेरे से हो सके मैं आपको रिजॉर्ट का डिटेल बताती हूँ, ठीक है। तो बस हो गई है हमारी ट्रिप कंप्लीट, अब जो है निकल रहे हैं, आज जुम्मा है तो आज अभी हमने नमाज़ पढ़ ली और बस अभी नमाज़ पढ़कर निकल रहे हैं। ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, बहुत ही अच्छा लगा, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से थोड़ा दूर आए, ज़्यादा दूर नहीं है पुणे से लेकिन है 1-2 घंटे का रास्ता है, बट बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही, लेकिन गर्मी बहुत है। ऐसे रिजॉर्ट वगैरह में जाना है तो ना थोड़ा सा ठंडा क्लाइमेट होना चाहिए, हमको बस इतना लगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लिटरली ऐसी हालत ख़राब हो रही है गर्मी से ना। तो बस ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, ज़्यादा शूट नहीं ले पाई, जितना भी शूट ली आप लोगों के लिए बताने के लिए कि हम लोग भी गए थे। चलो बच्चे लोग खुश तो है, अभी तो कंप्लेंट नहीं है ना, कुछ इस साल को तो कंप्लेंट नहीं है, ठीक है।
तो चलिए अब ये व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। स्टे ब्लेस्ड एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।